हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है मंडे और आज का व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? तो गाइस, इस बार तो मैंने रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया, रिकॉर्ड ब्रेक, सच में रिकॉर्ड ब्रेक। कभी ऐसा नहीं होता है बिग बॉस चालू होने का, मैं इतना वेट करती रहती हूँ। और इस बार मैंने एक भी एपिसोड बिग बॉस का देखा नहीं है। 11 एपिसोड मैंने प्रॉपरली पूरे देखे, पर इस बार का एक भी मैं देख नहीं पाई हूँ। जब मैं रशिया गई थी ना, मैंने इसका कनेक्शन, डिश टीवी का कनेक्शन स्टार्ट नहीं किया था, मतलब कटवा दिया था। तो कटवा दिया इन द सेंस रिचार्ज नहीं किया था। तो रशिया के आने के बाद ना टीवी देखने को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और वो रिचार्ज करते रहो और पता ही नहीं चलता है कि कब महीना पूरा हो गया। एक भी बार देखती नहीं हूँ। पर हाँ, मैं हर साल ना बिग बॉस प्रॉपरली देखती थी, पर मेरा टाइम इस बार एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। मैं लेट घर पर पहुँचती हूँ और उसके बाद मैं कब बिग बॉस देखूँ, तो इसकी वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया। और पार्लर पे भी टीवी है, तो पार्लर का भी रिचार्ज, पार्लर पे तो देखने को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, तो पार्लर का भी रिचार्ज नहीं करवाया है। तो इसलिए मैंने इस साल फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड ब्रेक किया, नहीं तो मैं क्या करती थी। बिग बॉस के पीछे इतनी दीवानी थी ना मैं कि ना पूछो बात। पूरा देखे बगैर मुझे चैन नहीं पड़ता था। मैं एक एक एपिसोड दो दो तीन तीन बार देखती थी, पता है, रिपीट एपिसोड पूरे देखती थी। और ये जो दो तीन महीना बिग बॉस चलता था ना, मेरी मजे पड़ जाती थी, क्योंकि मेरा पूरा कंसंट्रेशन उसमें ही, ध्यान पूरा उसमें ही होता है। पर इस बार मैंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो गाइस, अभी मैं जय के लिए चाय बना रही हूँ। जय जाके आए, ब्लड टेस्ट करवा के आए हैं मॉर्निंग में, अब आफ्टरनून में फिर से जाएंगे। और मैंने बनाई है आज मूंग दाल, और मसाले वाली मूंग दाल और रोटी। और वापस से आफ्टरनून में उनका ब्लड टेस्ट है, तो चले जाएंगे। तो गाइज़, अब मैं निकल रही हूँ पार्लर पे, पहले चाय बना लेती हूँ। चाय मैं और जय पी लेते हैं और उसके बाद पार्लर पे जाती हूँ। सच में मैं कभी इस तरह से छोड़ती नहीं थी बिग बॉस को, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। 11 एपिसोड मैंने प्रॉपरली पूरे के पूरे देखे। मैं भाग भाग के पार्लर से घर आ जाती थी देखने के लिए। मुझे इतनी मज़ा आती थी, सब लोग डांटते रहते थे, क्या लड़ाई झगड़ा देखती रहती है, लेकिन मुझे नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो गाइस, इस बार मैंने सच में रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो चलिए अब आगे आगे चलते हैं। और आप देखते हो कि नहीं बिग बॉस? फ्रेंड्स, मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं आगे आगे। तो गाइस, मेरी चाय बन रही है। चलिए पहले चाय का लुत्फ उठाते हैं। हे गाइस, आप बोलोगे मैं कल सुबह से कहाँ थी? तो कल सुबह से बस मेरे काम ही चल रहे थे और मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं हुई। रात को आके मैंने रोटी और सब्जी बनाया, मेरा सब प्लान फेल हो गया, क्योंकि जय की शुगर थोड़ी हाई आई। तो मैंने पहले सोचा था मैं दाल ढोकली बनाऊंगी, और दाल ढोकली बनाऊंगी तो मैं शूट करूंगी कि दाल ढोकली, गुजराती दाल ढोकली कैसे बनाते हैं, वो पूरा शूट करूंगी। पर जब जय का फोन आया कि शुगर इतनी है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब दाल ढोकली में तो गुड़ वगैरह पड़ता है, तो मीठा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो मेरा वो प्लान फेल हो गया। फिर मैंने दिमाग में दो प्लान रखे थे, मैं घर जाके शायद तो दाल ढोकली बनाऊंगी, या शायद तो दाल चावल और आलू की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में मूंग की दाल और रोटी बनाया था, क्योंकि जय को ब्लड टेस्ट करवाने जाना था सेकंड टाइम का भी, तो खाना खा के वो जाने वाले थे। तो मैंने मॉर्निंग में सुबह मूंग की दाल और रोटी बनाया था, तो सुबह रोटी बनाया था, तो मैंने सोचा शाम को मैं कुछ तो भी अलग डिफरेंट बनाती हूँ, या तो राइस बनाऊँगी या तो दाल ढोकली बनाऊंगी। पर मेरे दोनों प्लान फेल हो गए, दोनों प्लान फेल हो गए। मेरा थोड़ा सा दिमाग भी घूम गया कि जय की शुगर बढ़ गई है और जय सुनते ही नहीं है। परसों तो मैंने उनको आइसक्रीम खाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था, तो मतलब आइसक्रीम में बहुत सारा ये रहता है, सेक्रीन रहता है, तो वो
अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, पर जय सुनते ही नहीं है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर बस यही उधेड़ बुन में रात को मैं खाना खाई और सो गई, और मॉर्निंग में वापस से वो जय की जाने की तैयारी घाई गई हुई। फिर आज तो मैंने पूरा फीका ही चाय दिया उनको। और पर पता नहीं यहाँ पे मैं सब कर लूंगी एक दिन के लिए, वहां जाके वो थोड़ी ना सुनने वाले हैं वो तो। और जय सच में ना थोड़ा सुनते ही नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो बस अपनी हेल्थ का मतलब इतना दवाई में बहुत ख्याल रखते हैं, पर ऐसा नहीं कि बिना दवाई के अपनी हेल्थ कैसे ठीक रहे वो देखना चाहिए। तो गाइज, और फिर सुबह मैंने आज खाना बनाया है मेरे लिए, आलू की मतलब ऑनियन और पोटैटो दोनों मिक्स सब्जी बनाई है, आलू कांदे की, और रोटी बनाई है। और गाइस फिर उसके बाद मैं जल्दी उठी थी क्योंकि जय को जाना था, तो फिर मैंने सुबह जरा जल्दी उठ के थोड़ा सा, अरे आंगन साफ करने वाला मिल ही नहीं रहा है। जय जाते जाते वो लड़के लोग को जो कचरा झाड़ते हैं ना उनको बुला के लेके आए, वो आया और मैं अंदर गई के चल उसको मैं थोड़ा चाय दे देती हूँ, और मैं अंदर गई उतने में वो वापस से भाग गया झाड़ू ऐसे कैसे छोड़ के। बोलिए, इतना पैसा देते हुए भी लोग काम करने को तैयार नहीं है। फिर मैंने सोचा चल अब दूसरों की राह देख के फायदा नहीं, अब मैं एक एक पोर्शन ना आंगन का मैं खुद ही साफ करती हूँ। तो आज मैंने बहुत सारा वो बहुत बड़ा झाड़ हो गया था तो उसको तोड़ तोड़ दिया, थोड़ा तोड़ के थोड़ा छाटनी किया, और उतना एक पैसेज उतना झाड़ू मारा, और मेरी स्कूटी को मैंने धो दिया पाइप लगा के, बस उतना काम मैंने किया है। तो अब मैंने सोचा है कि किसी के भरोसे नहीं रहूंगी, डिपेंड नहीं रहूंगी, और एक एक पोर्शन में खुद ही साफ कर लूंगी, दिवाली तक मेरा साफ सफाई हो जाएगा। तो गाइज अब मैं निकलूंगी पार्लर पे, और आज मैंने कपड़े भी वॉश नहीं किए हैं, कपड़े आज वॉश नहीं कर पाई क्योंकि मैंने भिगाए नहीं थे सुबह उठ के, तो अब मैं सारे कपड़े कल वॉश करूंगी। और बेड की चादर बदल दी है, आपको मैं दिखाती हूँ, आज ये वाली बेडशीट बिछाई है। जरा बेडशीट चेंज कर देते ना गाइस तो फ्रेश फ्रेश अच्छा लगता है। तो गाइस चलिए अब मैं निकलती हूँ पार्लर के लिए, और पार्लर पे जाके पार्लर की भी काम सब चलता रहेगा। और चलिए आज कुछ नया करते हैं पार्लर पे, सोचते हैं। इतना सारा कपड़ा धोने का, मेरा चद्दर दोनों बेड की चद्दर बदल दी है तो ये धोने के लिए रखी है साइड पे, अब एक एक करके इसका टर्न आएगा और ये सब मैं धो डालूंगी। तो बहुत सारे कपड़े जमा हो गए हैं धोने के बस बने रहो, काम वाली बने रहो बस, और कुछ नहीं। ये मास्टर बेडरूम की चद्दर भी बदल दी है, और फिर इतना सारा काम निकला है अब मैं सब करूंगी धीरे धीरे। गाइस दिवाली आ रही है तो दिवाली की साफ सफाई तो करनी ही पड़ेगी ना, कोई नहीं मिल रहा है अगर अपने को, तो हमारा काम है हमें खुद को ही करना पड़ेगा। तो गाइस अपना काम तो अपने को खुद को ही करना पड़ेगा ना, उसके बगैर तो चलने वाला है नहीं। तो बस कभी कभी सोचती हूँ उससे अच्छा एक फ्लैट लेती थी, तो आसपास का ये सब आंगन वांगन साफ करने का, टेरेस वगैरह साफ करने का झंझट ही नहीं रहता था। कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ। हाँ मैं अगर पूरा दिन घर पे रहती थी ना गाइस तो मैं अच्छे से सब काम कर सकती थी, पर मुझे 9 बजे भागना रहता है। देखिए अभी भी 9:30 बज गए, घड़ी की सुई तो ऐसे भागती है ना ऐसे भागती है कि पूछो मत। मैं मुझे पता है हर लेडीज के साथ ऐसा होता होगा, है ना, आपके साथ भी वैसा ही होता है ना, एक के बाद एक भाग भागे भागम भागे, बच्चों को तैयार करो। हाँ गाइस अतिथि की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज 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 गॉड अतिथि को अच्छा कर दो, बस उसको बुखार आया है, और बुखार आया खांसी हुई है, दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है शायद, बहुत खांसी, सबको खांसी हो रही है, तो उसको भी बहुत खांसी हुई थी और फिर बुखार, उसी में पूरा बॉडी पेन है उसको, और आज उसकी एग्जाम भी है, पूरा पूरा दिन क्लास रहता है, तो उसका भी मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। मैं इतना लंबे हूँ उससे, और खाना
वो ऐसे मेडिकल स्टोर से दवा तो लाई है, खुद ही डॉक्टर है तो दवा तो खुद लेके ही आएगी। पर फिर भी वो डॉक्टर के पास गई थी और पर डॉक्टर मिले ही नहीं। मॉर्निंग में भी वो लेडी डॉक्टर वहाँ पे बैठती है, हॉस्टल के पास ही है, लेडी डॉक्टर बैठती है, पर वो मिली नहीं मॉर्निंग में भी, और फिर शाम को तो उसका बंद था क्लिनिक। तो बस यही सब चल रहा है मेरी लाइफ में। और गाइस चलिए अब मैं निकलती हूँ पार्लर पे, आपको थोड़ा सा मैं नीचे दिखा देती हूँ मैंने क्या थोड़ा सा साफ सफाई किया है। गाइस उतना सा पोर्शन भी मैंने साफ कर दिया ना, तो इतना अच्छा दिखता है ना देखने से हमें खुद को, और मुझे जरा थोड़ा सा साफ सफाई करने में और ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं मुझे थोड़ा सा अरेंज रखने में, सब शो कर देने में बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस चलिए निकलते हैं, नहीं तो बातें करती रहूंगी तो बातें ही करती रहूंगी। पार्लर पे पहुंचना है जल्दी से। देखिए गाइस मैंने क्या करके रखा है, ये मैंने पूरी लक्ष्मण रेखा मार के रखी है, क्योंकि ये सेफ्टी डोर है ना मेरा, तो ये सेफ्टी डोर में से यहाँ जो जाली है ये जाली ऐसे बंद रहती है और इसमें से फिर पहले छिपकली अंदर आ जाती थी, यहाँ से ये छिपकली अंदर आ जाती थी। तो मैंने ये आइडिया लगाया, तब से वो छिपकली यहाँ इस पे आके अंदर आके इस पे बैठी रहती थी, ये मेन डोर वाले दरवाजे पे यहाँ पे घुस जाती थी। तो रात को अंधेरे में आओ और फिर अगर छिपकली घर में घुस गई तो, और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, तो इसलिए फिर मैंने ये आइडिया लगाई। तो उसके बाद इस तरह से छिपकली बिल्कुल नहीं आती है, यहाँ से बिल्कुल नहीं आती है। और ये मेरा दशहरे के दिन मैंने ये लगाया था, देखिए गाइस इसमें चावल लगे हैं, चिड़िया के चावल खाती है इसमें के, बहुत अच्छा लगता है। और ये सब लक्ष्मण रेखा मैंने आसपास लगा के रखी है ताकि छिपकली आए नहीं, और तब से बिल्कुल छिपकली आती नहीं है। मैं और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। थोड़ा सा साफ सफाई मैंने इस तरह से कर लिया है, बस ये एक पोर्शन मेरा साफ हुआ है, बस उतना ही, ये इतना एक पोर्शन साफ किया है। अभी वो वाला दूसरा पोर्शन मैं दूसरे दिन करूंगी। तो मैंने अब सोच लिया है, ठान लिया है कि अब मैं ही थोड़ा थोड़ा पोर्शन साफ करूंगी, दूसरे के भरोसे पे नहीं रहूंगी, क्योंकि कोई नहीं आता है, हम बुला बुला के परेशान और उनके भरोसे पे हम रह जाते हैं। ये देखिए मेरा क्रिसमस ट्री इतना बड़ा हो गया है। तो गाइस आज मैंने ये सब साफ सफाई किया, थोड़ा ये झाड़ को इस तरह से थोड़े काट दिए मैंने, तोड़े काटे तो क्या तोड़े हैं। तो ये कल से कल और आगे मैं करूंगी। और हाँ मेरा आखिर में ये नींबू का झाड़ जय ने तोड़ ही डाला, ये वाला झाड़ देखे तोड़ डाला कल, क्या बोलूँ मैं जय को। अभी स्कूटी को वॉश किया, पर इसको शैम्पू वॉश करना पड़ेगा, ये प्रॉपरली वॉश नहीं हुई है। और गाइज मुझे ये वाला झाड़ ना, ये बाजू वाले का बंगला है और उसका झाड़ पूरा मेरे बंगले के अंदर आया है, देखिए इसको मुझे कटवाना है, ये मेरे बस की बात नहीं है। और अब मैंने आज वो भंगार वाले आते हैं उनको भी बोला कि प्लीज़ मुझे झाड़ काट के दीजिए, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई मिल ही नहीं रहा है मुझे काटने वाला। तो बोला मुझे कि मैं कल देखता हूँ किसी को लेके आता हूँ, अब पता नहीं कोई लेके आए, बाकी का काम तो मैं सब कर डालूंगी, पर ये एक बड़ा काम है, ये हो जाए ना इसके सारे पत्ते नीचे गिरते हैं और गंदगी करते हैं, और यहाँ पे ये बाजू वाले बंगले में कोई रहता नहीं है तो पूरा बेवारसी पड़ा हुआ है। गाइस आप मुझे कुछ आइडिया दीजिए मैं किसको बुलाऊँ। आज मैंने सोचा कि मैं वो जो नर्सरी रहती है ना जिसमें पेड़ पौधे बिकते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ जाके मैं बोलती हूँ उनको कि कोई माली हो तो आ जाए तो मेरा आंगन भी साफ कर दे और ये पेड़ भी मुझे काट के दे, देखती हूँ जाते जाते उनको भी पूछ लेती हूँ। तो गाइस यही सब उधेड़ बुन चल रही है मेरी लाइफ में। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आप मुझे बताइए। चलिए सब मैंने डब्बे तैयार कर लिए हैं और अब मैं निकलती हूँ पार्लर के लिए। कल जय ने ना यहाँ पे बहुत सब जंगली झाड़ उग गए थे, तो कल जय ने यहाँ पे साफ कर दिया। सच में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े झाड़ उग गए थे तो जय ने वो सब खींच डाले और यहाँ पे ऐसा सफा सफा इतना अच्छा लग रहा है ना। ये मेरी पानी की टंकी है, यहाँ से
मोटर से पानी ऊपर चढ़ जाता है। तो गाइस स्लोली स्लोली दिवाली की साफ सफाई चालू हो गई है, तो चलिए धीरे धीरे दिवाली आने तक पूरा कर ही लेंगे। अभी निकल रही हूँ पार्लर पे। तो गाइस मैं पार्लर पे पहुंच गई हूँ। रास्ते में से मैंने सब्जियाँ ली, करेले लिए हैं, ये सींग ली है और ये तुअर के दाने, पता नहीं देखिए मुझे लग गया हाथ में, ये दिख रहा है ना आपको, ये मुझे कुछ लग गया लेटे पे, तो ये दाने तो अब पार्लर पे फ्रिज में रख दूँगी और रात को जाते वक्त याद से लेके जाऊँगी। आपके यहाँ इस तरह की सब्जियों, तुअर के दाने की सब्जी बनाते हैं क्या, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। देखिए मैं सब चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आप मुझे अगर नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपके यहाँ क्या हो रहा है। और गाइस बस पार्लर पे पहुँच के अब मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, प्ले स्कूल के बच्चे आएंगे अभी और कल है ना, बच्चे लोग की थोड़ी सी पनिशमेंट मिल गया था उनको, क्योंकि वो लोग लिखने को, उसमें से दो तीन बच्चे हैं ना वो लिखना नहीं चाहते हैं, तो उनको मैंने टिफिन ही नहीं दिया बहुत देर तक, उसके बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा लिखा, तो उसके बाद मैंने टिफिन दिया, थोड़ा सा मैंने डांट पढ़ाई थी बच्चों को, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आज आएंगे तो खूब सारा प्यार कर लूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। गाइस मैं बच्चे लोग को डांटती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे प्ले स्कूल के बच्चे मतलब मेरी जान है वो, और वो लोग भी मुझे इतना ही प्यार करते हैं, रोते हैं, डांटो तो रोने लग जाते हैं, पर फिर उसके बाद प्यार करो, उनको लाड करो, सहलाओ, कुछ लाओ तो फिर से अपने गोदी में आके बैठ जाते हैं। तो गाइस चलिए दिन का रूटीन स्टार्ट हो गया है इसी तरह से, और मिलते हैं आगे आगे। परीक्षा चालू है, परीक्षा केव्हा आहे, दिवाळी नंतर काय करते तू, इंची तरी बारावी, गाइस देखा आपने इस तरह से आईब्रोज की जाती है। आप भी घर पे ट्राई कीजिए पार्लर पे आके, मेरा काम शुरू हो गया है और जिस तरह से मैं आईब्रोज थ्रेड घुमा रही थी, आप ट्राई करके देखिए किस तरह से आईब्रो की जाती है, और मेरे बैक टू बैक वीडियोस है उसमें है आईब्रोज अपने आप कैसे कर सकते हो। तो गाइस घर पे बैठे बैठे थोड़ा बहुत ट्राई तो आप कर ही सकते हो, तो प्लीज़ आप कीजिए और सीखिए कुछ तो भी।
बस इस बीच में मैं आईब्रो कर रही थी, तो उस बीच में सामने रोड पे ना एक दो मोटरसाइकिल वालों की टक्कर हो गई। लकीली उन दोनों को कुछ लगा नहीं, वहाँ पर बाइक पूरी गिर गई, क्लैश हुआ और जोरों से आवाज़ आया। मैं भी भागी थी देखने को। छु लकीश, हाँ छु लकीश, तू बुक में छु लकीश, बोल अइया जो, अइया जो, हाय बोल, बताने हाय बोल, हाय, मैं राइटिंग करू छू, बोलो मैं राइटिंग करू छू, जो छे तने उभी रे बताडू चल। हाय एवरीवन, हशो हशो हशो, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, बोलो हमारे वीडियो देखते हो कि नहीं? सारे बच्चे लोग उसमें रहते हैं छोटे छोटे। देखो मैंने कितना अच्छा ड्रेस पहना है, मेरा छोटा छोटा फ्लावर वाला ड्रेस। बोलो सबको हाय बोलो, हाय बोलो, शोनी हाय बोल। केवी मस्त है, भव्य आवशे तो तने आमम आमम करशे ने। हाँ तो गाइज ये मेरी बटाटी इतनी प्यारी प्यारी सुंदर है, अभी मुझे बोलेगी पानी आपो। हाँ ली हाल लिया, लवकर पानी पीऊ छे, पीऊ छे, पानी पीऊ छे, बोलो मने पानी आपो, अहीं बोलो मने पानी आपो, पानी पीऊ छे ने, तो जल्दी थी मोड़ा थी बोलो पानी आपो, पानी आपो। देखो गाइस छोटा सा पिल्लू, मेरा छोटा सा पिल्लू कितना प्यारा है। कयात के वो पानी पिए डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जंप 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 स्लोली स्लोली बस बस सोड़ 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 सोड़। ओल्ड मैकडोनाल्ड हैड ए फार्म, हिया हिया हो, इन दैट फार्म ही हैड वन डॉग, हिया हिया हो। डॉग सेज बो 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 बो, बस 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 बस। डॉग सेज बो 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 बो। कैट सेज भव्य थाम ना, ए शोनी, कैट सेज म्याऊ म्याऊ, कैट सेज म्याऊ म्याऊ म्याऊ। चना किसने खाया, किसने खाया, किसने खाया रे चना? मैंने खाया, मैंने खाया, मैंने खाया रे चना। किसने बोया, किसने बोया, किसने बोया रे चना? मैंने बोया, मैंने बोया, मैंने बोया रे चना। कैसे उगा, कैसे उगा, कैसे उगा रे चना? ऐसे उगा, ऐसे उगा, ऐसे उगा रे। हे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, डर जाएगी बाहर निकालो तो।